बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म धूम 4 में टाइगर श्रॉफ दिखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ का धूम 4 फिल्म से होने वाला है बड़ा धमाका। टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2 के बाद हमें एक और एक्शन फिल्म धूम 4 में दिख सकते हैं, जिसकी स्क्रिप्ट और स्टोरी पर काम हो रहा है। YRF की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज धूम सीरीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। अब तक धूम के 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में जॉन इब्राहिम, दूसरे पार्ट में ऋतिक रोशन और तीसरे पार्ट में आमिर खान विलन यानी चोर के किरदार में दिख चुके हैं, और तीनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। धूम सीरीज पुलिस और चोर की कहानी होती है, जिसमें पुलिस यानी अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा हर पार्ट में अलग अलग चोर को पकड़ते हैं। धूम फिल्म का चोर ही असल में फिल्म का हीरो होता है। इस बार धूम जैसी धमाकेदार फिल्म में टाइगर श्रॉफ विलन के रोल में नजर आएंगे। 2019 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉर में टाइगर श्रॉफ का निगेटिव रोल दर्शकों ने बहुत पसंद किया था, और टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग और डांस की लोगों ने खूब तारीफ की थी। वॉर फिल्म की अपार सफलता के बाद YRF ने टाइगर श्रॉफ को अपने अगले प्रोजेक्ट धूम 4 के लिए फाइनल कर लिया है, जिसमें टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन और बेहतरीन डांस देखने को मिलेगा, जिसके लिए टाइगर श्रॉफ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। धूम 4 फिल्म में टाइगर श्रॉफ का निगेटिव रोल देखना काफी शानदार होने वाला है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को विजय कृष्ण आचार्य डायरेक्ट करने वाले हैं, मगर अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है, और धूम 4 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है, क्योंकि 2021 में टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 आने वाली है। दोस्तों धूम 4 में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट दिशा पाटनी दिख सकती हैं, जैसा कि धूम 1 में ईशा देओल, धूम 2 में ऐश्वर्या राय और धूम 3 में कैटरीना कैफ दिख चुकी हैं। धूम 4 में दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन और रोमांस करती नजर आएंगी, जिसको देखने के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।